नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए थमा प्रचार प्रसार। सोमवार को देश के 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए होगा मतदान। तेईस मई को होगी लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना। मतगणना को निष्पक्षता संपन्न कराने के लिए चमोली जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार। कार्मिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने जीरो पॉलिथिन अभियान को दिखाई हरी झंडी। हल्द्वानी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड व्यवस्था से जोड़ने की कवायद। और हैदराबाद की तर्ज पर उधम सिंह नगर जिले में ई चालान व्यवस्था की शुरुआत। जल्द नियम तोड़ने वालों को ट्रेस कर एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा ई चालान। यातायात उल्लंघन करने वालों पर कसी जाएगी नकेल। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इस चरण में 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार में 5, झारखंड में 3, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 17, उड़ीसा में 6, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13 और पश्चिमी बंगाल में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अनंतनाग सीट पर भी इसी चरण में मतदान होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है बल्कि जनता लड़ रही है और वो ही पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। उधर प्रधानमंत्री ने हरदोई और सीतापुर में भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के पलामू, उड़ीसा में मयूरभंज और जाजपुर में चुनावी रैली में भाग लिया। राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। आगामी 23 मई को पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना की जाएगी। इस दिन के लिए चमोली जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। मतगणना कार्यों को निष्पक्षता और शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराने को लेकर जीआईसी गोपेश्वर में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना का कार्य 23 मई की सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर इस बार प्रत्येक विधानसभा की 5 मतदेय स्थलों की वीवीपैट की मतदाता पर्चियों और कंट्रोल यूनिट में पड़े वोट का मिलान भी किया जाएगा। जिले में 3 विधानसभा की मतगणना के लिए कुल 29 टेबल लगाई जाएंगी। हर एक मतगणना टेबल पर गणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में 3 कार्मिकों की तैनाती रहेगी। क्योंकि अभी रेंडमाइज नहीं हुए हैं ड्यूटीज, तो फर्स्ट रेंडमाइजेशन में हमने सभी को आमंत्रित किया है, जितना भी हमारा डेटा बैंक बना हुआ है, और इन सबों को बताया जा रहा है कि 17 सी के भाग 2 को किस तरह से भरा जाएगा, ईवीएम्स की किस तरह से सील होके आएंगी उसकी भी ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इनको दी जा रही है कि काउंटिंग में किस तरह की ईवीएम्स इन काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट्स एंड माइक्रो ऑब्जर्वर्स को देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि मतगणना के लिए 98 गणना सुपरवाइजर, 62 गणना सहायक और 81 माइक्रो ऑब्जर्वर सहित 241 कार्मिकों की नियुक्ति कर पहला प्रशिक्षण दिया गया। परिवहन विभाग इन दिनों चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को बढ़ावा देने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए आने वाले कमर्शियल वाहनों को हल्द्वानी से ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वाहनों का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी और अल्मोड़ा में अस्थायी चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं। आरटीओ हल्द्वानी राजीव मेहरा ने दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान वो कमर्शियल टैक्सी वाहनों का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि पहाड़ी रास्तों के लिए वाहन चालकों को खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि दुर्घटना की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके।
यात्रा सीजन में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो और लोगों को असुविधा न हो, तो इसके लिए एक तो अपने प्रवर्तन कार्य को तेज़ करेंगे, दूसरा इधर हमारे दो चेकपोस्ट जो अस्थायी काम कर रही है यहाँ पर कालाढूंगी और कालाढूंगी काठगोदाम में, उसमें जो बड़ी बस है वो हमारी नैनीताल नहीं जाएंगी, और साथ में जो हमारा ये देख जो चालक बाहर के आएंगे और उनका पूरी तरह उनके प्रपत्रों की जांच की जाएगी। चारधाम रूट पर जो तो चेक पोस्ट लगती है उसमें एक चेक पोस्ट लगती है जोशीमठ में, तो जोशीमठ की जो चेक पोस्ट है वो हल्द्वानी और अल्मोड़ा जो हमारे दो संभाग हैं इसकी जनशक्ति संचालित होती है, और उसका पत्र हमको जो नोडल अधिकारी हैं और मुख्यालय से इसको प्राप्त हो चुका है, हम उसकी तैनाती एक दो दिन में कर देंगे। गौरतलब है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने चारधाम यात्रा सफाई अभियान के संबंध में बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा की थीम जीरो पॉलिथिन व्यवस्था है, इसलिए यात्रा मार्ग पर गंदगी और पॉलिथिन नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने जिले के नगर क्षेत्र और 23 कस्बों के सफाई अभियान के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए 28 अप्रैल को कस्बों में जाकर व्यापारियों की समिति बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके लिए 30 अप्रैल को रुद्रप्रयाग जिले के नगर और कस्बों में वृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही पॉलिथीन का प्रयोग करने पर ₹5,000 का जुर्माना किया जाएगा। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आज पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के 32वें चैप्टर की शुरुआत कर नई टीम का गठन किया गया। कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय के कुलपति और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सीएस नौटियाल ने कहा कि चैप्टर खुलने से जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही इससे मीडिया मैनेजमेंट और आर्थिकी के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इन्होंने मुझे यहाँ पे देहरादून में एक नया चैप्टर बनाया है जिसमें हमारे डॉक्टर राजेश कुमार भेड़िया से, तो ये जो पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ चैप्टर खुलने से लोगों के बीच में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट चरणजीत सिंह ने संचार के बारे में बताते हुए कहा कि संचार से किसी भी राज्य या समाज की प्रगति होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से शुरू किए गए चैप्टर से प्रोफेसर संचारक या विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को बेहद लाभ मिलेगा। तो उनके लिए एक ये प्रोफेशनल बॉडी है जिसका काम है कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको एथिकली जो प्रैक्टिस है उसको प्रमोट किया जाए, और मुझे पूरी आशा है कि जो पब्लिक रिलेशन या कम्युनिकेशन का जो फील्ड है आज के लिए ये संचार से ही आप दुनिया की प्रगति होती है, एक राज्य की प्रगति होती है। देहरादून में स्थापित हुए PRCI के 32वें चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हम देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए संचार की जरूरतों के हिसाब से काम करेंगे। उधम सिंह नगर की पुलिस हैदराबाद की तर्ज पर जिले में ई चालान व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत यातायात नियम का उल्लंघन करने के दौरान पूरी घटना और वाहन चालक का वाहन नंबर CCTV कैमरे में कैद होकर ई चालान सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएगा। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदर जीत सिंह ने बताया, पुलिस सॉफ्टवेयर में से घटना की फोटो और वाहन चालक की गाड़ी नंबर देखने के बाद उसे चालक के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए ई चालान भेजेगी। आरोपी द्वारा उत्तर न देने पर पुलिस खुद ई चालान उसके घर पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि मई के पहले सप्ताह में ट्रायल के बाद इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी, जिसके बाद इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ज़्यादा CCTV कैमरे स्थापित हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, तो उनका सहयोग लेते हुए वहाँ वायलेशन वगैरह सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए ये सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, जो चलान जिसका भी आदमी का चलान हो रहा है उसके मोबाइल पे ये डिलीवर किया जाएगा चलान। जब वो उसको एक बार दो बार में नहीं भुगताएगा तो उसमें संबंधित जो डिफॉल्टर है उसके घर पर स्वयं जो है पुलिस कर्मचारी चलान की कार्रवाई। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए पुलिस और वाहन चालकों के बीच होने वाली झड़प से बचने के साथ ही पुलिस को चकमा देकर निकलने वाले चालकों पर नकेल कसी जा सकेगी।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन न किए जाने के कारण सिडकुल हरिद्वार स्थित शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज, स्टार इंडस्ट्रीज बहादराबाद स्थित श्री मेटल फिनिशर, बेगमपुर स्थित माइक्रो टर्नर, भगवानपुर स्थित अवीना मिल और पीएस मोटर में सीलिंग की कार्यवाही की। जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि हरिद्वार जिले में अनेक औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन न करने और कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लगातार प्रदूषण फैलाने पर इन फैक्ट्रियों को सील किया गया है। वो समय गुजर गया, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहां से क्लोजर नोटिसेस जारी हुए थे, तो विभाग ने आज ही हमें इनके बारे में बताया, तो इनको आज विभाग के साथ और मैजिस्ट्रेट्स के साथ वहां पे सील कर दिया गया। जो पावर कनेक्शंस हैं उनको भी काट दिया गया है और जो इनको कंप्लायंस करने हैं उसका समय इनको दिया गया है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कृपा करते हुए इस कंप्लायंस को कराएं ताकि आगे जाके फिर हम इनको खोल दें कंप्लायंस होने के उपरांत। गौरतलब है कि जो इकाइयां मानकों को पूरा करने का प्रमाण पत्र लाएगी केवल उन्हें ही अपना संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। टिहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला जज कुमकुम रानी ने कहा कि दिव्यांग जन हमारे समाज के अभिन्न अंग है, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए अधिवक्ताओं को सही तरीके से पैरवी कर इस अधिनियम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस अवसर पर टिहरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शांति भट्ट ने कहा कि दिव्यांग जनों को भी संविधान में कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, जरूरत है तो सिर्फ उन्हें उनकी सही जानकारी दिए जाने की। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक निःशक्तता अधिनियम 2016 पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे क्योंकि नया एक्ट है अभी अभी आया है 2016 में, उसकी क्या खामियां हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, उन सब पर डिस्कशन हुआ है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान है उसका जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स का, उसका उसके ही वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसी के अकॉर्डिंग जो एक्ट्स बनते हैं उन्हीं पर ये एक प्रकाश डाला जा रहा है। उसमें जो निःशक्त जन है, चाहे वो श्रवण शक्ति से है, चाहे वो पाँव से है, चाहे दृष्टि से है, उसके शेड्यूल में वो सब चीज़ें दी हुई हैं, कैसे उनके प्रमाण पत्र बनेंगे, कैसे उनको न्याय मिलेगा, कैसे हम उनको संरक्षता प्रदान करेंगे, इन सब पर व्यापक चर्चा अभी हो रही है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए थमा प्रचार, सोमवार को देश के 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए होगा मतदान। तेईस मई को होगी लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना, मतगणना को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए चमोली जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार, कार्मिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने जीरो पॉलिथिन अभियान को दिखाई हरी झंडी, हल्द्वानी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड व्यवस्था से जोड़ने की कवायद। और हैदराबाद की तर्ज पर उधम सिंह नगर जिले में ई चालान व्यवस्था की शुरुआत, जल्द नियम तोड़ने वालों को ट्रेस कर एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा ई चालान, यातायात उल्लंघन करने वालों पर कसी जाएगी नकेल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।